हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पहले थोड़ी सफाई करते हैं और फिर काम करेंगे। एंड टुडे वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टारगेट्स। अभी तक हमने परसेंटेजेस और टेबलेट फॉर्म कंप्लीट करा है। एक दो दिन से मैं थोड़ा बिजी थी तो ज़्यादा स्टडी हो नहीं पाई मेरी कैट की, क्योंकि मेरे इंटरनल्स चल रहे हैं कॉलेज में। तो अभी थोड़ा ब्रेक है, तो अब मैं बैक टू वर्क होऊंगी एंड अपने नेक्स्ट टारगेट्स कंप्लीट करूंगी, क्योंकि हमें मई तक अपना पूरा सिलेबस अर्थमेटिक का कंप्लीट करना है। क्वांट्स में मेन तो वही है, DLR हो जाएगी इतने टाइम तक, क्योंकि फिर मई में दोबारा एग्जाम है कॉलेज के। तो चलो आज का काम शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। तो गाइज बताओ अब कैसी लग रही है मेरी टेबल? टेबल तो सेट होगी, अब टारगेट सेट करते हैं। तो आज के मेरे टारगेट्स हैं क्वांट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्लासेस होती हैं, मेन एंड बेसिक समझूंगी इसका, क्लास शीट 1 एंड क्लास शीट 2 सॉल्व करूंगी, एंड DLR में लाइन ग्राफ समझूंगी और फिर उसकी एक क्लास शीट सॉल्व करूंगी, एंड VARC में एओन वर्ड पावर मेडिजन एडिटोरियल। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वांट से हमेशा की तरह, और इसमें स्टार्ट करूँगी मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से। आज मैंने टाइमर सेट कर दिया क्योंकि कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि मैं कितना टाइम की सब्जेक्ट को देती हूँ। वैसे ऑनेस्टली मैंने कभी काउंट नहीं किया और आज मैं ये टाइमर के साथ कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ी बात हो जाए, ये सेकंड टॉपिक है अर्थमेटिक का परसेंटेजेस के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ईजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बस मेन एक मतलब ऐसा फ्लो चार्ट मैंने याद कर लिया कि CP, MP, SP से इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, और इसी से मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब ये इस अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसमें मैंने थोड़े क्वेश्चन थे जो बीच में वो भी सब सॉल्व करे हैं। थ्योरी पार्ट इसमें कमी होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ मैं, और जो अलग से मैं क्लास शीट करने वाली हूँ वो शुरू। छोटा सा ब्रेक टाइम, नाउ अगेन बैक टू वर्क एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं मेरी क्लास शीट में, अराउंड 15 क्वेश्चन हैं, और देखती हूँ मेरे को कितना टाइम लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मेरे को किन किन में डाउट आता है। गाइज आज भी मैं वही फॉलो करूँगी कि जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं, कुछ अलग लगता है, उसको मैं स्केच पेन से नोट डाउन करूँगी, क्योंकि मैं बाद में उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकूँ। डन विद द क्वेश्चंस। इसमें अराउंड हाफ एन आवर लगा, तो हमारा 2.5 आवर में क्वांट्स कंप्लीट हो गया आज का। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद लाइन ग्राफ इन DLR। तो चलो देखते हैं लाइन ग्राफ में क्या है। वैसे लाइन ग्राफ ईजी टॉपिक है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं बस हमारे, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अराउंड हाफ एन आवर में मेरी लाइन ग्राफ की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं करूँगी इसके आगे के क्वेश्चंस। तो गाइस जो लाइन ग्राफ के क्वेश्चन है ना, इतने भी इजी नहीं है जितने लग रहे थे, क्योंकि एक सेट मैंने ऐसा किया है जिसमें लग रहा था कि बहुत इजी है, उसके मैंने चारों क्वेश्चन मतलब जल्दी जल्दी निकाल दिए। उसमें डाटा वाला पार्ट इतना था नहीं, बट वर्बल वाला पार्ट ज़्यादा था, मतलब हमें उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना था, और वो इतना ट्रिकी था कि मेरे 3 गलत है 4 में से, और वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा सेट। तो चलो DLR भी खत्म होता है अब। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडिटोरियल इन इंग्लिश। हाँ आज मैं पहले एडिटोरियल से स्टार्ट करी क्योंकि एंड तक मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैंने ये एडिटोरियल रीड करा, इसमें जो मेरे को वर्ड समझ नहीं आया मैंने उसको नोट डाउन किया, एंड जो भी इंटरेस्टिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो भी लिख ली, और अब हम 15 मिनट में इसका भी काम ख़त्म करते हैं। मिठाई खा लो गाइज, एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट 15 मिनट में करेंगे वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि ये 15 मिनट में इसलिए हो जाएगा, इस वाले सेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक है, तो आज कम काम है वर्ड पावर मेड इजी से। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज मॉडर्न यूजेज ऑफ वर्ड्स। सो गाइज इसमें हमने नई चीज़ सीखी है कि हम ऐसे कहते हैं ना ले डाउन, तो ले डाउन इज़ अ रॉन्ग यूजेज, हमें हमेशा यूज़ करना होता है लाई डाउन, LIE। तो ये मेरे को पता नहीं था, इफ़ यू गाइज नो देन ओके, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक नोट्स। सो वी आर डन विद दिस, नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट, ईओन का आर्टिकल रीड करते हैं, और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, एंड वेन एवर यू आर रीडिंग ईओन आर्टिकल यू कैन ऑल्सो टेक नोट्स ऑफ दैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और अलग अलग नॉलेज देंगे आपको। सो आई हैव डन ऑल माई टास्क ऑफ टुडे। तो चलो एक बार सब कुछ टिक मार्क कर देते हैं, थोड़ी सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। आई इज डन विद द Day 5, और उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।